सुंदरगढ़ जिला के नुआगांव ब्लॉक पंचायत मार्केट में गेला 6 तारीख बीरमित्रापुर तहसीलदार बट से अनाउंस करल जाए रहे जे नुआगांव के पंचायत मार्केट के तोड़े के लागिन। मार्केट के दुकान मालिक मान पानपोस्ट सब कलेक्टर पासे पहुँच के अपन दुख जाना लाए। सालों साल से दुकान करके रोजगार चलात हैं। इ मार्केट में 185 दुकान है। आज बीरमित्रापुर तहसीलदार बट से दुकान बालावन के बुलाए रहें, बुलाए के गोटेक मीटिंग रख रहें। इ मीटिंग में बीरमित्रापुर तहसीलदार, बीरमित्रापुर SDPO और हाथीबाड़ी थाना अधिकारी प्रस्तुत रहें। मीटिंग में दुकान मालिक मन कहते हैं जे हमार लागिन पहले सुविधा करे के बाद दुकान तोड़ाल जाए। मोर नाम जोगेन्द्र साहू, मु नुआगा निवासी, मो घर नुआगा। कौन सर आज तहसीलदार संगे जो गोटे बैठक कौन असुविधा कौन? तहसीलदार आज आमको डाकी आगर मुझे कथा कहवाक चाहूँगी। आगे 6 तारीख आम तहसीलदार अलाउंस करदे घर भांग दुकान दरु सब भांग बोलिक अलाउंस करतापर आम से शुणिकर आम सोमवार दिन आम सब कलेक्टर सका भेट कलु। से कहला ना आज आज तो भंगा हेबनी दुकान, से रोड रास्त जी कब्जा कर सैटा ही भंगा हे। तो आम कह मैडम सर आम तो से समस्ते राजी अच्छू, से भांगतु रास्तापी आम समस्ते इच्छुक। रास्ता भल थी आन जा सब बस फस सब आराम चलो बोल आम कहलु। सी आमको दे कि ना दुकान भांग जीव ना, आगे फंड आणतु तापर एम थैथान पर जगह दिंतु तापर आम दुकाना भागवा। तबे कौन डिसीजन कौन बाहर लेटे बस दिले था? मैडम आमको झूठ मुठ माने किसी से तो अलाउंस कर सारी तार असुविधा होगा किसी बुझले से आमको जबरदस्ती ये डाकि परेशान कर। आज आम आसीलु 12:30 आमको डाकि आसिले निजे 1:30-2 बेले मीट कले आमको एम 2:30 हो गलानी आम दुकान दौरी सब बंद कर आम ये आसीचु। से ठीक नुआगा ग्रामवासी मु 40 वर्ष रु नुआगा मार्केट रे दुकान करी आसी अछि। आम नुआगा मार्केट रे सरपंच जेते बेले जीत इलेक्शन रे छिड़ा है नथिले से समय रु लोकन को प्रतिश्रुति दे थिले जे मु जीतिले नुआगा मार्केट को भांगी भी बोली। एबे जे अपन को से अलाउंस करथिला केमती कोन पई एटा करथिन एटा? एटा अलाउंस हे थिला जे 6 तारिख रे मार्केट रोड भांगबा पई, किंतु आम सरपंच रोड न भांगी कि मार्केट को भांगवा पई चेष्टा करी थिले। आमे सब कलेक्टर थी जाई कि देखा करलु, सब कलेक्टर कहले रोड मार्केट भांगवा पूर्वु सरपंच तहसीलदार डाकी कि मीटिंग बसाइबे। मीटिंग बसाइला परे डिसीजन हबो जे जेतेटा दुकान अछि ताको थैथान प्लस फंड हेला परे जाई कि मार्केट भंगा जीवो। किंतु तहसीलदार मैडम आमको सरपंच जहाँ कहते ताको से धरी बसुछन आउ आम दुकानी को हैरान करुछन बारंबार। आपका परिचय? मेरा नाम जयशंकर ठाकुर, मैं नुआ ग्रामवासी। आज यहाँ तहसील आया हुआ था मार्केट जो टूटने का प्रपोज लेके आया हुआ था, जिसे हम तहसीलदार के साथ में मीट किए और यहाँ पे DSP साहब भी आए थे, हाथीबाड़ी इंचार्ज आए थे और मीटिंग शांतिपूर्ण मीटिंग हुआ। तो क्या डिसीजन क्या लेकर क्या बोल रहे हैं सब? ये डिसीजन हम लोगों को आगे तक बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर लेवल तक जाना पड़ेगा।
जो कि मार्केट अभी फिलहाल स्टे लगा हुआ है, लगा रहेगा, मार्केट तोड़ेंगे नहीं, और चासी के लिए व्यवस्था उनका किया जाए। तहसीलदार से हम लोग एक गुहारी लगाए हैं कि चासी भी अपने जगह मिले, जिस खाली जगह उस वहाँ पर बैठाया जाए और दुकान भी ना टूटे, इस तरह हम लोग व्यवस्था किया गया है। तो क्या बोल रहे हो, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा वहाँ? जब ही पैसा आएगा, अमाउंट आएगा इनके पास में, तभी ये मिल बनेगा। हम लोग दुकान छोड़ देंगे और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन के दे, तो हम लोग उसका सही निर्णय लेंगे। जब तक पैसा नहीं आया, दुकान तोड़ के वहाँ पे हम लोग साइड नहीं हटेंगे। जब फंड में पैसा आएगा, मार्केट टूटेगा, तब हम लोग वहाँ से हटेंगे और दुकान बना के हमें कॉम्प्लेक्स देगा, इसके लिए हम लोग एग्री हैं। तो कितने दुकान है वहाँ? यहाँ पे 186 दुकान लगभग जो पंचायत में है, 186 दुकान है। और ये दुकान जो है पंचायत में, जो हम लोग पंचायत के एरिया में जबरदखल करके अपने वर्षों से, एक पीढ़ी पार हो गया हमारे परदादा के टाइम से, हम लोग वहाँ पे जीविका चला रहे हैं, अपने खाना पीना चला रहे हैं, बाल बच्चा पाल रहे हैं। और एक सरपंच आता है और बोलता है कि ये सरपंच जीतने के बाद में इसको तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो बिल्कुल अन्याय कर रहा है हम लोग के साथ में। तो अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम लोग यही चाहते हैं कि दुकान ना टूटे और सबका जीविका चले, सांप भी ना मरे, लाठी भी ना टूटे, सांप भी ना मरे, लाठी भी ना टूटे, और सांप भी ना मरे, लाठी भी ना टूटे। जो किसान है उनके लिए भी जो तकलीफ है, उनको तहसीलदार करे, उनका व्यवस्था करे, और भी जगह नुआगांव में फील्ड बाकी है, उस वहाँ पे उनको शिफ्ट करे और हमारे दुकान के पीछे भी ना पड़े, ये हम लोग का अनुरोध किया जा रहा है तहसीलदार को।